बढ़ती जनसंख्या आज हर देश की एक बड़ी समस्या बनी हुई है, लेकिन दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या बहुत ही कम है। ऐसा ही एक देश है वेटिकन सिटी, जिसे दुनिया के सबसे छोटे देश के तौर पर जाना जाता है। यूरोप महाद्वीप में स्थित वेटिकन सिटी चारों ओर से इटली की राजधानी रोम से घिरा हुआ है। सिर्फ 108 एकड़ में फैले इस देश की जनसंख्या 1000 से भी कम है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस छोटे से और बहुत ही खूबसूरत देश से जुड़ी कुछ मजेदार बातें। रोम के टाइबर नदी के पश्चिमी किनारे पर बसा वेटिकन एक स्वतंत्र देश है। छोटा देश होने के बावजूद वेटिकन के राजनीतिक संबंध दुनिया के लगभग सभी देशों से हैं। वेटिकन सिटी की राजधानी वेटिकन सिटी ही है और ये देश का सबसे बड़ा शहर भी है। राजधानी वेटिकन सिटी में ईसाइयों के सर्व उच्च धर्म गुरु पोप निवास करते हैं। यहाँ से पोप पूरी दुनिया में फैले रोमन कैथोलिक चर्च का संचालन करते हैं। पोप को यहाँ हर तरह के फैसला लेने का अधिकार होता है। वेटिकन दुनिया के उन देशों में से एक है जहाँ आज भी राजतंत्र है। पोप यहाँ का राजा होता है, जिसके पास न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सबकी शक्ति होती है। इस देश की सुरक्षा कोई आर्मी नहीं करती, बल्कि वेटिकन सिटी के सुरक्षा की जिम्मेदारी स्विस गार्ड 19 को दी गई है। स्विस गार्ड का गठन पोप जूलियस सेकंड द्वारा 22 जनवरी 1506 को किया गया था। वेटिकन सिटी एक बहुत ही आकर्षक पर्यटन स्थल है। ईसाई समुदाय के प्रसिद्ध रोमन कैथोलिक चर्च होने के वजह से और धर्म गुरु पोप की वजह से ये देश पूरी दुनिया में काफी प्रसिद्ध है। वेटिकन सिटी में महिलाओं की आबादी 30 के आसपास है, जो कुल जनसंख्या का 5% है। और यहाँ कोई अस्पताल नहीं है, यहाँ लोगों की इलाज के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है। एक भी अस्पताल न होने के वजह से यहाँ पर कोई पैदा ही नहीं होता। इस हालात में वेटिकन सिटी में जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि देश में की जाने वाली नौकरी या कार्यालय के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेटिकन सिटी एक ऐसा देश है जहाँ 1983 के बाद से किसी बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ। इस शहर में 2011 तक 594 लोग ही रहते थे, जिसमें 109 स्विस गार्ड के ही सदस्य शामिल थे। लेकिन पोप बेनेडिक्ट 16 के यहाँ रहने के बाद लोगों की संख्या बढ़ती गई और आज वेटिकन सिटी में 825 लोग रहते हैं। आपको बता दें कि वेटिकन सिटी में खाने के लिए सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है। यहाँ के लोगों को जो भी खाना होता है वो उन्हें सिर्फ यही मिलता है। इसके अलावा वेटिकन सिटी का वेटिकन म्यूजियम काफी प्रसिद्ध है। ये म्यूजियम कई मायनों में काफी खास है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वेटिकन म्यूजियम की एक पेंटिंग को देखने में 1 मिनट का समय लिया जाए तो पूरे म्यूजियम को देखने में 4 साल का समय लगेगा। वेटिकन सिटी में सिर्फ एक ही एटीएम है, जिससे लोग पैसा निकाल सकते हैं। ये वेटिकन बैंक द्वारा संचालित है। एक ही एटीएम होने की वजह से काफी हाईटेक भी है। छोटा देश होने के बावजूद वेटिकन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। इसका अपना झंडा, अपनी नागरिकता, अपनी करेंसी और अपना डाक विभाग है। इतना ही नहीं, इस देश का अपना रेलवे स्टेशन भी है। आपको बता दें कि यहाँ के रेलवे स्टेशन देश के नागरिकों से ज्यादा पर्यटकों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। वेटिकन देश के कानून के अनुसार यहाँ के नागरिकों को किसी भी तरह का टैक्स सरकार को नहीं देना पड़ता। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग अपने देश की तरक्की के लिए सरकार को टैक्स की जगह पैसा दान में देते हैं। इस देश में खेती नहीं होती। वेटिकन सिटी में साक्षरता दर 100% है। यहाँ बोली जाने वाली भाषाओं में अंग्रेजी, फ्रेंच, इटालियन प्रमुख हैं। वैसे क्या आप कभी वेटिकन सिटी घूमना चाहेंगे?